हरियाणा के गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को किया संबोधित। अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को लाइलाज बीमारी, इन्हें न एकता की चिंता न संविधान की। चिपुर में खाद्य विभाग की बीमारी, छापेमारी से व्यापारियों में मचा हड़कंप, दूध से बनी मिठाइयों के लिए सैंपल। राव अफाफ अली ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का संभाला चार्ज, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने राव का किया जोरदार स्वागत। काशीपुर में सफाई कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन, ठेका प्रथा को खत्म करने की कर रहे मांग, कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। उत्तराखंड पुलिस ने की कायराना हरकत, थानाध्यक्ष ने होटल मालिक के साथ की मारपीट, घायल होटल मालिक अस्पताल में है भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में, मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। भाई रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों का। दीपावली का त्यौहार नजदीक आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी हरकत में आती दिख रही है, जिसके चलते टीम ने करीब आधा दर्जन दुकानों पर छापेमारी की और दूध से बनी मिठाइयों के सैंपल लिए। टीम की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि दीपावली का त्यौहार आने में अब कुछ ही दिन शेष है। इस दौरान पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से काशीपुर सहित अन्य शहरों में नकली मावे और दूध की भारी मात्रा में सप्लाई की जाती है, जिसकी भारी मात्रा में मिठाइयों के बनाने में खपत होती है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के निर्देश पर उधम सिंह नगर के फूड इंस्पेक्टर और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की। टीम गठित की है, उसमें पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। तो थाने से जो है आप देख ही होंगे कि जो है पूरा सहयोग हमें मिल रहा है जाते हैं। तो ये इस तरह से पूरे बाजार में हम निरीक्षण करते हुए सैंपलिंग भी करते जा रहे हैं और ये जारी रहेगा दिवाली तक, कहते हैं सभी तहसीलों में सभी थानों में हो रहा है, तो सभी थानों में प्रक्रिया जारी रहेगी। आते हैं पुलभट्टा जैसी जगह जो बॉर्डर का है या इधर से जो है ये मोरवा तिराहा है, उसमें हमारी टीमें रहती हैं, पुलिस वाले भी सहयोग करते हैं। वो जैसे ही बाहर से कोई गाड़ी आ रही है तो हमें बताते हैं, हम क्षेत्रीय इंस्पेक्टर हो या निकटस्थ जो भी हो वो जा करके उसे सैंपलिंग करता है और उसकी जांच करता है। ध्रुवई श्रीनगर में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है और उसी के साथ NH-58 पर काम कर रहे ठेकेदारों की लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों को पानी, दूर संचार संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सड़क चौड़ीकरण के साथ नालियों का निर्माण भी करवाया जा रहा है और इसके तहत खोदी गई सड़क से कहीं पानी की पाइपलाइन टूट रही है तो कहीं सड़क के भीतर ब्रॉडबैंड की लाइन कट गई है। तो वहीं ब्रॉडबैंड लाइनों के कट जाने से न केवल बैंक का कामकाज ठप हुआ है बल्कि पाइपलाइन टूटने से लोगों को भी पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। देखो जी, NH का काम चल रहा है, ये लोग जो रात के टाइम पे काम करते हैं, पार्ट्स में काम करते हैं, कुछ काम आज रात को कर दिया, कुछ काम दूसरे दिन कर लेते हैं, जिसके कारण केवल बार बार कट रही। हम लोग जैसे करते हैं सुबह से हमको काम जोड़ने का काम शुरू कर देते हैं और काम अभी भी जो काम कल रात केवल कटी थी वो केवल अभी जोड़ रही है। केवल में हमारे 800 पेयर, 400 पेयर, 200 पेयर, 100 पेयर, 50 फीट की केबल हैं जो सारी डैमेज कर दी गई है। महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्थान की पहली वर्षगांठ पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने संस्था की अध्यक्ष अनुकृति गोसाई को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए उचित कदम है। इस मौके पर श्रम विभाग की ओर से आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को चेक भी वितरित किए गए। इस दौरान न्यूज इंडिया संवाददाता आशीष बडोला ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से की खास बातचीत। महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में आज कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी कोटद्वार पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, महिलाओं के उत्थान के लिए जो आपकी बहू अनुकृति गोसाई जी काम कर रही हैं, किस तरह से देखते हैं इस मुहिम को? देखिए, बहुत ही अच्छी मुहिम है और मुझे खुशी है कि हमारी बेटी, हमारी बहू ने अपने तमाम
जो ग्लैमर था उसको छोड़कर इन बहुत गरीब महिलाओं के लिए, श्रमिक महिलाओं के लिए काम करने का निर्णय लिया है। इस बात की मुझे निश्चित रूप से बहुत बड़ी खुशी है। और ये मुझे लगता है कि ये जो पहल हमने की है, छोटी सी पहल भले ही हमको दिखती हो, लेकिन हमारी ये छोटी पहल एक बहुत बड़ी पहल के रूप में लोगों के जीवन में तब्दीली लाने में कामयाब हो गई। ये खुशी हमें है और मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ अनुकृति गोसाई को, रावत को, कि वो बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में इसी तरह, देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर वो इसी तरह निराश्रित महिलाओं के लिए, इसी तरह कमज़ोर महिलाओं के लिए काम करेगी तो निश्चित रूप से हमें बहुत खुशी होगी। और वो बहुत अच्छा काम कर रही है और उसका आपने देखा भी है कि किस तरह उसने छोटी छोटी कोशिश करके आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं में लाने का काम उसने किया है और पूरे प्रदेश में इस तरह महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने का काम वो कर रही है। बतौर श्रम मंत्री, आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए क्या कुछ आपके विभाग की ओर से किया जा रहा है जैसा अभी भी देखने को मिला है? देखिए हमने दो तरह की योजना है, एक तो श्रम बोर्ड की ओर से है, उसमें पैदा होने से लेकर और मृत्यु तक हमारी योजना है, पढ़ाई की, स्वास्थ्य की, शादी की, स्वरोजगार की और अलग अलग हमारी स्कीमें। केवल 100 रुपये के फीस है रजिस्ट्रेशन कराने की, वो लेबर का, उसका लेबर श्रमिक होना चाहिए और उसके लिए तमाम सुविधाएं हमारी, पूरा श्रम विभाग उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। हमारी इस तरह की योजना है। उसी तरह हमारी जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं जो श्रमिक 21,000 रुपये से कम तनख्वाह ला पाते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, उनके लिए भी हमारी स्वास्थ्य की योजना है ESI कर्मचारी बीमा निगम के द्वारा। तो लगभग 40 से लेकर 50 लाख प्रदेश के जनता का स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इस समय हमारा श्रम विभाग निभा रहा है और हम बखूबी इसमें हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। सर, इस तरह की बातें भी सामने आएगी, श्रमिक पंजीयन के जो मानक हैं उसके तहत कई लोग ऐसे भी पंजीकृत हो चुके हैं, उनको भी श्रमिक उसका लाभ ले रहे हैं जो उन मानकों के तहत नहीं आते हैं, मैं आर्थिक तौर पर मजबूत हैं। मैंने हर कैंप में, हर जनसभा में इस बात को कहा है कि जिस तरह माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि जो लोग सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं वो गैस पे सब्सिडी छोड़ दें, 2 करोड़ लोगों, हिंदुस्तानियों ने सब्सिडी छोड़ी। मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ, देखिए हमने पहले ये कहा था कि भाई आप मनरेगा में जॉब कार्ड बनाएं, फिर हमने कहा कि जो ठेकेदार जिसके साथ आपने काम किया वो रजिस्टर्ड ठेकेदार वो आपको सर्टिफिकेट देगा तो हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसमें भी ये शिकायतें आई कि साहब ठेकेदारों ने सर्टिफिकेट देने के नाम पर पैसा लेना शुरू कर दिया। फिर हमने कहा कि हम एफिडेविट लेकर, और एफिडेविट में सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई मैं अगर झूठे तथ्य दूंगा, झूठे तो उसका कानूनी रूप से मैं उसके लिए दंडित, दंड का भागीदारी रहूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग इस गलत एफिडेविट देकर इस तरह के कर रहे हैं। लेकिन हमने अब उसमें एक और पहलू जोड़ा है कि आप एफिडेविट में एक लाइन ये भी लिखेंगे कि आपने किसके भवन निर्माण में या किस ठेकेदार के साथ काम किया है, उसका पूरा पता, उसका फोन नंबर भी देंगे। और हम सबको तो नहीं चेक कर सकते क्योंकि इतने लाख लोगों को चेक करना संभव नहीं है, लेकिन हम सर्वे के रूप में हर 10% अचानक हम चेक करेंगे कि उन जिस ठेकेदार का या जिस भवन स्वामी का या उन्होंने नाम दिया है उसको हम टेलीफोन करके चेक करेंगे। हमने अपने अधिकारियों से कहा उनको फोन करके चेक करो कि उस व्यक्ति ने उनके साथ काम किया है या नहीं किया है। तो ये मैं, क्योंकि जब स्कीम आगे बढ़ती है तो कई बार इस तरह की गलतियां होती हैं और मैं सब लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि हाथ जोड़ के आह्वान कर रहा हूं कि किसी निराश्रित मजदूर जिसके लिए ये योजना है उसका हक पे डकैती मत डालिए, उसको हक मत छीनिए। स्वतई जय, अगर माना मैं सक्षम हूँ तो मुझे मजदूर कार्ड बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मजदूर नहीं हूँ तो कम से कम इस पे, और इसमें मैं सोचता हूँ आप सब लोग भी, मीडिया भी हमारा योगदान कर सकता है, कहीं कोई अगर इस तरह के संज्ञान में आता है तो हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ इंडिया से बात करने के धन्यवाद। तो ये थे
राज्य कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि श्रम विभाग के तहत हर संभव सहयोग जनता को किया जा रहा है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर बच्चे। कैमरा पर्सन विनय कैंतोला के साथ न्यूज इंडिया क्लासिस बड़ोला कोटद्वार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में औद्योगिक शहर होने के कारण डेंगू का डंक लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अधिकांश अस्पतालों में डेंगू के मरीज भरे हुए हैं और पूरे जिले में सैकड़ों मरीज लंबे समय से अस्पताल में भर्ती हैं, जिससे मरीजों में दहशत का माहौल है। तो वहीं अन्य प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के इलाज में मरीजों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। तो वहीं रुद्रपुर के किच्चा रोड स्थित चंदोला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में डेंगू का वर्तमान समय में इलाज फ्री में हो रहा है। मात्र 10 रुपए की पर्ची कटाकर मरीज डेंगू का इलाज करवा सकते हैं। मेन जो है सफाई ना होने की वजह से, गंदा पानी होने की वजह से, साफ पानी भी है अगर रुका हुआ पानी है तो उसको फेंक देना चाहिए। कुछ ऐसी कमियां हैं हमारे बीच में, ऐसे पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी इन चीजों में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से डेंगू फैल रहा है। लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि चंदोला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो हमने रुद्रपुर में खोला है, इसमें हमने 30 बेड का अस्पताल खोला हुआ है, जिसमें हम डेंगू के मरीजों के लिए फ्री का इलाज कर रहे हैं। केवल 10 रुपए की उनके ऊपर पर्ची बन रही है, बाकी उनका रहना, उनका यहाँ सब कुछ फ्री किया हुआ है। और होम्योपैथी में डेंगू के इलाज के लिए 99% इलाज जो है उसका गारंटी हम देंगे। और होम्योपैथी की एक्यूटेरियम मेडिसिन आती हैं और भी अन्य मेडिसिन आती हैं जिनकी वजह से मरीज ठीक हो रहे हैं। और जो मरीज कहीं जाके अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं, वो सस्ता में आए और फ्री में इलाज लें। उत्तराखंड के गदरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गदरपुर ग्राम अलखदेवा में खेतों में खड़ी एक ट्रॉली से 116 पेटी शराब बरामद की है। तो वही इस संबंध में एएसपी डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर खेत में पराली के नीचे 116 पेटी शराब पड़ी होने की सूचना मिली थी, जिसके तहत आरोपी को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये शराब चुनाव के दृष्टिगत लाई गई प्रतीत हो रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें एसओ गदरपुर के द्वारा अपने मुखबिर मामूर किए गए थे। अधिसूचना के आधार पर एक ट्रॉली में 216 पेटी शराब, जिसमें कि 2592 बोतलें हैं, ये बरामद की गई है। दो अभियुक्त के नाम आए हैं जो कि मौके से फरार हो गए, जिनके नाम हरमन और सुखदेव हैं। ये शराब संभवतया जो इस पंचायत चुनाव है इसके लिए लाई गई है, क्योंकि अभी पंचायत की इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, अभी रिजल्ट आने बाकी हैं और उसके बाद बीडीसी मेंबर्स जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ों में इस्तेमाल होती है, ऐसा हमारा अंदेशा है। पुलिस टीम के द्वारा बहुत ही सतर्कता के साथ इस काम को किया गया है। आखिरकार 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी परिसर बनने की कवायद अब तेज हो गई है। 19 अक्टूबर को श्रीनगर के सुमाड़ी में एनआईटी का भूमि पूजन किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2009 में प्रदेश में एनआईटी के निर्माण को स्वीकृति मिली थी। 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत भी एनआईटी का शिलान्यास सुमाड़ी में कर चुके थे, लेकिन 9 सालों से श्रीनगर एनआईटी का स्थायी परिसर आज तक बनकर तैयार नहीं हो सका। तो वही उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने श्रीनगर में 19 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि एनआईटी के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में एमएचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित सरकार के अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। इसके बाद श्रीनगर के GNITI मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में और पूरे गढ़वाल के इतिहास में बहुत बड़ा कार्यक्रम 19 तारीख को होने जा रहा है कि NIT का अस्थाई कैंपस अब सुमाड़ी में बनने जा रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का, अपने लोकप्रिय सांसद तीरथ जी का, तीनों लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो भ्रम था NIT का वो अब ख़त्म हो गया है और विधिवत जो है 19 तारीख को भूमि पूजन भी होगा, शिलान्यास भी होगा और फिर एक सार्वजनिक कार्यक्रम GNITI मैदान में होगा।
और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और अब उन लोगों पे एक बड़ा तमाचा है जो लोग इस भ्रम को फैलाते थे कि NIT यहाँ से जा रही है, ठीक है, और कई सालों से जो लोग इस भ्रम को फैलाते थे अब वो मुझे लगता है कि वास्तविकता से बाज आ जाएंगे। राज्यपाल मैडम आ रही हैं, चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो हैं 4 मंत्री हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर 3 हैं, धन सिंह जरावत 4थे मंत्री हैं, यहाँ के सांसद लोग कहल आ रहे हैं और विधायक आ रहे हैं। धोई नगर निगम और नगर पंचायतों में ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी शुरू किया। वहीं सफाई कर्मचारी संजीव वाल्मीकि ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर धरने से सरकार नहीं जगी तो वाल्मीकि समाज प्रदेश भर में BJP के खिलाफ बिगुल फूकेगा। वहीं उत्तराखंड के जसपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मेन बाजार में घेराबंदी कर 2 बदमाशों को पकड़ लिया। इसके साथ ही पुलिस ने बदमाशों से 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों युवक काशीपुर के अलीखा के रहने वाले हैं और रंगदारी जैसे अपराध में जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। इनके पास है अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। 315 बोर का तमंचा, 12 बोर का तमंचा, कारतूस, दोनों चीज़ें बरामद हुए हैं। इनको 25 आम सेट में जेल भेजा गया है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि पूर्व में भी जसपुर में इनके द्वारा जो है 307 में ये जेल में गए थे और ये विशेषकर जसपुर रंगदारी वसूल करने के लिए आना कबूल किया है इन्होंने। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिनेशपुर नगर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे व नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार एवं कमेटी के लोगों ने श्री वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर श्री राम के जीवन के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने हमें बताए मांगों पर अनुसरण करना चाहिए। बाद में श्री हरि मंदिर परिसर से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। समाज के लोगों ने बुलाया, अच्छा कार्यक्रम किया, सम्मानित किया। महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन को हम जानते हैं कि अगर जो महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो भगवान जी का राम जी का नाम नहीं होता। मैं रामचरित मानस की स्थापना करके लिख के महर्षि वाल्मीकि जी ने यह संदेश दिया कि छोटे छोटा व्यक्ति भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड की मित्र पुलिस के आए दिन नए नए कारनामे देखने को मिलते हैं। एक बार फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से, जहां मुनस्यारी के प्रभारी थाना अध्यक्ष का एक होटल मालिक के साथ मारपीट और गाली गलौच करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह घटना 3 दिन पहले की बताई जा रही है। तो वही होटल मालिक का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जगत मतौलिया के नेतृत्व में मुनस्यारी के व्यापारियों, महिला संगठनों सहित विभिन्न संगठन SDM से मिले और दोषी थाना अध्यक्ष और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन सौंपा। चौदह अक्टूबर को यहाँ के थाना अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों ने शराब के नशे में धुत होकर इस क्षेत्र के एक दुकानदार जो नौजवान है उसको बेरहमी से पीटा है, जानों ने की तरह सड़क में घसीटा है। ऐसे पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो पुलिसकर्मी मूक दर्शक रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांग को लेकर SDM साहब को एक ज्ञापन दिया है और 22 अक्टूबर को हम यहाँ पूरा मुनस्यारी बाजार बंद करके बड़ा जुलूस आपका इनके खिलाफ निकालेंगे। मेरा नाम गीतिका जंगपांगी है, मैं विक्रम की बहन हूँ। जिस तरीके से पुलिस अधिकारी ने मेरे भाई के साथ व्यवहार किया है ये बहुत अनुचित है। मैं चाहती हूँ कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसे उसके किए की सज़ा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से उसने मेरे भाई की पिटाई की है, ना वो ठीक से खा पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। अभी उसे मुनस्यारी
अस्पताल से पिथौरागढ़ रेफर किया गया, फिर पिथौरागढ़ से अभी उसे हल्द्वानी के लिए रेफर किया गया है। जिस तरीके से उसकी हालत है, ये देखते हुए मैं चाहती हूँ कि प्रशासन हमारा साथ दे और मेरे भाई को इंसाफ दिलाए। तो उत्तराखंड के विकास नगर में सिविल कोर्ट ढकरानी के जज रमेश चंद्र के साथ ठगी का एक मामला सामने आया। ठगों ने जज के खाते से 80,000 रुपए उड़ा लिए। आपको बता दें कि एटीएम के जरिए लगातार दो दिनों में 10-10,000 की किश्तों में ठगों ने 80,000 रुपयों की ठगी को अंजाम दिया। तो इस मामले की खबर से पूरे कोर्ट परिसर में आग की तरह फैल गई ये खबर। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मामला सिविल जज जूनियर डिवीजन रमेश कुमार जी के साथ ठगी का मामला है। उनके एटीएम से ठगों ने पैसे निकाले हैं 80,000 रुपये के लगभग अलग अलग ट्रांजेक्शन के द्वारा, और अभी इस मामले में FIR दर्ज करा दी गई है और इंस्पेक्टर साहब को बुलाया गया है मौके पर, जो भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, और बैंक में भी इस बारे में सूचना दी जा रही है। कोई इतने इस स्तर के अधिकारी इस तरह की वारदात है तो सामान्य लोग से ज़्यादा व्यतीत होंगे, इसमें पुलिस को ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। देखिए अभी इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं और आगे कार्रवाई जो भी होगी आप लोग को सूचित करेंगे। तो वही नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के छात्रवृत्ति घोटाले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक संबंधित याचिकाओं को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है। खंडपीठ ने SIT द्वारा कोर्ट में पेश की गई गोपनीय रिपोर्ट पर भी सरकार से जवाब मांगा है और इसे वापस कर दिया है। इस गोपनीय रिपोर्ट को पढ़कर नोटियाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए, जिसमें SIT ने कहा कि नोटियाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे और घोटाले से संबंधित दस्तावेज उन्हें नहीं दे रहे। तो वही इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने नोटियाल की गिरफ्तारी पर रोक संबंधित याचिकाओं को निरस्त कर दिया। इसमें ये छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित है और इसमें जो है पिछली डेट पर इसमें जजमेंट रिजर्व हुआ था, आज जजमेंट डिलीवर किया माननीय न्यायालय ने और उन्होंने कहा कि ये घोटाला 700 करोड़ को भी अभी तक क्रॉस कर चुका है, तो इसलिए इसमें इनको अरेस्ट स्टे देने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। इस आधार पर याचिका खारिज कर दिए। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर डिपेंड करता है वो क्या स्टेप्स लेते हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नीचे की कोर्ट से गिरफ्तारी के वारंट और कुर्की के वारंट इत्यादि ले चुके हैं, जो भी स्टेप लेना है इंक्वायरी ऑफिसर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों और उनसे जुड़ी अपडेट्स को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।